असी पंथक रवायतों नूं मुख रखते हुए ये फैसला किया कि असी ये जिहड़ियां हुण 2022 दीआं चोणां हो रहीआं उहदे विच असी उहनां उम्मीदवारां नूं साडा कोई पार्टी विशेष नाल कोई संबंध नहीं, किसी विशेष व्यक्ति नाल नहीं, साडा है कि जिहड़ा उम्मीदवार जां जिहड़ी पार्टी सिख कौम ते पंजाब नूं चढ़दी कला 'च लिजाण लई यतनशील होएगी असी उहदे हक दे विच वोट पाउण लई अपनी संगत नूं बेनती कीती है। पुराने समयां दे विच किस तरह जदों भी इदां दा कोई निर्णय लिया किस तरह लिया जांदा सीगा जिस आधार ते तुसीं अज निर्णय लिया जी? साडी जिहड़ी गुरमर्यादा सी उहदे उत्ते राजनीति ने इन्ना गलबा पा लिया सी कि धार्मिक जथेबंदियां जां कह लो जिहड़े बंदे धार्मिक सोच रखदे भी सी उह इस नूं इक प्रैक्टिकल शेप नहीं दे सके। सो इस करके साडा इह कह लो इक पहला कदम है। अजे बंदे इक धर्म दा कह लो भी बुरका पहन के राजनीति 'च जाते ने ते असल विच उह धार्मिक हुंदे नहीं। धर्म दा कुंडा जदों राजनीति रहेगा तां ही राजनीतिक बंदे सही काम करनगे। जात पात जां धर्म इहदी दुरवरतों कीती गई, हर पार्टी ने इहनूं वरत्या है। मर्यादा कहिंदे सीगे भी सिख धर्म 'च बहुत प्रचलित सीगी पर इह हौली हौली चलो खत्म हो गई, पर जे इह हुण तक भी रहिंदी तां शायद सानूं आह दिन ना देखणे पैंदे कि असीं बंदी सिंघां लई मार्च करिए धरने लाइए जां किसानी शायद इह शायद दिन ना देखणे पैंदे। पंजाब दे विच इस समय 2022 दी विधानसभा चोणां दा अमल शुरू हो चुका है जिथे कि वख-वख विधान दे तहत विधान जिहड़ियां विधानसभा दे विच जिहड़ियां पार्टियां राजनीतिक पार्टियां हैगियां वह अपनी जोर अजमाइश अपने जिहड़े नीतियां और नीयत दा जिहड़ा प्रदर्शन करदियां पईआं ने ते उहदे तहत ही वख-वख वर्गां अते वख-वख लोकां वल्लों भी उहनां नूं समर्थन दित्ता जा रिहा है। तो इसे दे तहत ही जे आपां देख लईए तां जदों दा चोणां दा अमल शुरू हो गया चाहे उह आजादी तों पहलां दी गल है उस तों बाद भी समें समें दे उत्ते करवट आई है चाहे उह परची नुमा होवे। हुण मशीनां दा जमाना आ गया, मशीनी युग आ गया ते मशीनां दे तहत भी वोटां पैंदियां पईआं ने। समें समें दे तहत वख-वख संस्थावां वख-वख जिहड़े समुदायां वल्लों वख-वख पार्टियां नूं जिहड़ी अपनी रवायत दे अनुसार जिहड़ी आ समर्थन दित्ता जांदा है। इस तरह ही देखिए तां सिख रवायत दे अनुसार जां सिख फिलोसफी दे हिसाब दे नाल जे देखिए तां किस तरह जिहड़ा इस चोणां दे अमल दे विच हिस्सा लिया जा सकदा है। कुछ कु जिहड़ियां सिख संस्थावां है दो पंजाब दे विच दुआबे खिते की गल कर लईए तां जिला शहीद भगत सिंह नगर दे विच अज असी किशनपुरा पिंड दे विच खड़े हाँ जिथे कि एक संस्था वालों सिख रहत मर्यादा दे हिसाब दे नाल गुरमता पेश करके इस जिहड़ा चोणां दा अमल है उहदे विच किस नूं समर्थन देना तां किस तरह देना चाहीदा है वह जिहड़ा मता पास किया गया साडे नाल ओ सिंह साहब भी मौजूद हैगे जिन्हां ने सेवावां भी निभाईआं। इहनां नाल गल करके जाणदे आं कि किस तरह जिहड़ा ये अमल प्रक्रिया अपनाई गई तो उहदे विचों निकल के की सामने आया। हाँ जी सिंह साहब, अज जिहड़ा ये सारा प्रक्रिया अपनाई गई है की सी किस तरह बनाई गई? ये साडे जो सिख परंपरावां रवायती आदिकाल तों गुरु महाराज दे वेले तों जो चलदियां उहनूं पुनर्सुरजीत किया गया, भावें लोकतंत्र दे विच अजे तक इन्हां नूं बहुता गौर नहीं फरमाया जांदा पर साडी कोशिश है कि असी राजनीति जिहड़ी है उह पुरातन सिख परंपरा दे अनुसार कीती जावे। इसे तहत साडे जत्थे वल्लों अज इत्थे इकत्रता कीती गई, उहदे विच जो मर्यादा है सिख धर्म दी उहदे अनुसार गुरमता पास कीता गया जिहदे विच असी पंज सिंघ साहिबानां ने सर्वसंमति नाल सारी संगत तों सुझाव भी लए, कुछ सज्जणे वाई कटदे सी कुछ नोटा दे सी। सो सारिया पक्षां नूं विचारदे होए असी पंथक रवायतों नूं मुख रखदे होए ये फैसला किया कि असी ये जिहड़ियां हुण 2022 दीआं चोणां हो रहीआं उहदे विच असी उहनां उम्मीदवारां नूं साडा कोई पार्टी विशेष नाल कोई संबंध नहीं, किसी विशेष व्यक्ति नाल नहीं, साडा है कि जिहड़ा उम्मीदवार जां जिहड़ी पार्टी सिख कौम ते पंजाब नूं चढ़दी कला 'च लिजाण लई यतनशील होएगी असी उहदे हक दे विच वोट पाउण लई अपनी संगत नूं बेनती कीती है। ते आपां इह वी जानना चाहांगे जिस तरह कहिंदे जिहड़े सिख रवायत दे अनुसार पुरातन ते असीं वी जानना भी पुराने समयां दे विच किस तरह जदों भी इदां दा कोई निर्णय लिया किस तरह लिया जांदा सीगा जिस आधार ते तुसीं अज निर्णय लिया जी? पुरातन समें विच इह हुंदा सी कि कोई एक विशेष व्यक्ति फैसला नहीं सी लैंदा, संगती रूप दे विच सारे सिंघां नूं सद्दे दित्ते जांदे सी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में बैठ के अरदास करन दे उपरंत जिहड़ा हजूरी में सिंघ बैठदा सी
वो पहला एक व्यक्ति का नाम अनाउंस करता सी, उहदे ते सारी संगत की सहमति ले जाती सी, उस तो उपरंत वह दो जने हो जाते सी, फिर तीजे की, फिर चौथे की, फिर पंजवें की, फिर छेवें की, जिन्हों एक हजूरिया सिंह हुंदा सी वजीर महाराज का, वह गवाही हुंदी सी महाराज के सन्मुख, तो पंज सिंघां की चोण करन तो बाद वो पांच सिंह जिहड़े किसी भी समझो मौके की समस्या होवे, राजनीतिक होवे, समाजिक होवे, धार्मिक होवे, उस समस्या नूं बैठ के विचारदे सी ते गुर सिधांतां दे अनुसार उहदे उत्ते फैसला दिंदे सी, फिर सारी संगत तों प्रवानगी लई जांदी सी, उसे चीज़ नूं दुबारा सुरजीत करन दी कोशिश कीती गई। जदों अज सुरजीत कीती गई है परंपरा, तां इहनूं किद्दां अमली जामा पहनाया गया ते किस तरह पहनाया गया? देखो अमली जामा तां तुहाडे सामने जो मर्यादा सी उहनूं असीं शुरू कर लिया, पर हजे साडा शुरुआती दौर है, कुछ हजे संगतां जिहड़ियां क्योंकि बहुत वड्डा एक गैप पै गया आजादी तो बाद, कह लो भी लोकतंत्र जां जिहड़ियां राजनीति जिहड़ी सी ओह धर्म ते भारू हो गई, साडी जिहड़ी गुरमर्यादा सी ओहदे उत्ते राजनीति ने इन्ना गलबा पा लिया सी कि धार्मिक जथेबंदियां जां कह लो जिहड़े बंदे धार्मिक सोच रखदे भी सी ओह इस नूं इक प्रैक्टिकल शेप नहीं दे सके, सो इस करके साडा इह कह लो भी इक पहला कदम है, हजे हौली हौली असीं इहनूं अपने सिख समाज दे विच पूरे पंजाब दे विच लै के जाण दी साडी जिहड़ी है कोशिश होएगी, तां जो जिहड़ा राजनीति विच निघार आ गया, गिरावट आ गई, करप्शन आ गई, कि बंदे एक धर्म का कह लो भी बुरका पहन के राजनीति च जाते ने, असल विच उह धार्मिक हुंदे नहीं, सो असीं धर्म नूं पहल देवांगे, धर्म का कुंडा जदों राजनीति रहेगा ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਦੁਆਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਬੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਬਲਾਚੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤਹਿਸੀਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੋਕ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਈਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੀ ਤਾਂ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਪ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ, ਕਿ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ
पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सोहे दर राजान। गुरु साहबान ने जिहड़े बड़े चुनिंदा पतवंत सूझवान किसी भी खेत्र में आन इत्थे जिक्र किया, सिर्फ पंजां दी गल नहीं है, चोणवें जिहड़े ने वो पंज भी हो सकते हैं, चलो पंज का जिक्र कर लैने आपां जो भी हैगे आ, उही जिहड़े असल सेध देण दी समर्था जिहड़े ना वो रखते ने। हर बंदा जिहड़ा आ आपां देखते हाँ भई जे हर बंदा ही जिहड़ा आ वो इन्नी सूझ रखता होवे तां चुनिंदा पतवंतियां दी जिहड़ी आ वो लोड़ नहीं पैंदी। दूसरी गल तुसीं कीती है वोट सिस्टम दी, वो वोट सिस्टम दी गल आ भई ठीक है, वोट सिस्टम दे जिहड़ा कल्ला बंदा है वो जदों एक तो इन्ना हर बंदा सूझवान नहीं है, जे उहनूं कोई ना कोई दिशा निर्धारित हो जाती और दिशा भी जिहड़ी आ इत्थे एक बहुत वड्डी गल है कि जिहड़े दिशा देण वाले ने जां दिशा लैण वाले ने वो गुरु की हाजरी दे विच गुरु दे भै विच फैसला लै लए ने। ये सब तो वड्डी गल ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉੱਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਧੀ ਅੱਜ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਪਣਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ।
यहोजी गल नहीं है कोई इदी जी ये असी जोड़ा मापदंड रखे ने वो ना तो किसी असी ब्लाइंडली किसी पार्टी को सपोर्ट की जी गल की है ये असी यह भी एक पैमाना रखिया भी जिन्होंने असी बिल्कुल एन प्रतख तौर पर पछाणते हैं जिन्हों नीतियां बिल्कुल सिख फलसफा ये गुरुआं दे पंजाब नू जिहड़ा गुरुआं दा पंजाब जिन्हों सच्ची मुची गुरुआं दा पंजाब जिथे जात पात जां इहो जी कोई गलबात नहीं आ उहनू खत्म करके वह मनुवाद दे उहदे दायरे दे विच वह द्वारा सुटनियां चाहुंदियां ने उहनां दे खिलाफ खड़े होण दे लई जद चलण दी जिहड़ी शक्ति जिहड़ी पैदा होएगी जिहड़ी आ उहदा मैसेज जाएगा ते चंगियाई जिहड़ी आ उह दिलां दे विच जद असर करदी आ दिल चों निकली हुई गल ही दूसरे के दिल तक जाती है तो जब वो गल जी फिर शब्द बहुत सारे है वो दसण की लोड़ भी नहीं पैंदी साडा किरदार ही दसदा किरदार ही इजहार करता उस गल का भी आ गल जी है ना ये सानू चढ़दी कला दे वल लै जाएगी सो बहुत वधिया सानू मैसेज जिहड़ा मिल रहा इस गल का जो संगतां दा इकट्ठ होया लोगों ने अपने विचार दिते वो किदां दे सीगे जब संगती रूप दे विच विचार सामने आए तो उहदा किन्ना असर पिया बच देखो इत्थे जिहड़ी है जब लग दुनिया रही है नानक किश सुनिए किश कहीए गुरमत दे विच जिहड़ी है डिकटेटरशिप की तो कोई थान नहीं है जदों तुसीं विचार इकट्ठे करने हैं उहदे विच पहली पद्धर ते मैं खुद ही किसी नूं विचार जिहड़ा पेश सुझाव पेश करांगा मैनू लगेगा वधिया जदों दूसरिआं दी निगाह विच भी आएगा इत्थे सुझाव नूं इहो जिहा हलीमी ढंग दे नाल पेश कीता जांदा है कि उहनू अपने वकार दा सवाल बना के नहीं पेश कीता जांदा कोई भी जिहड़ा उस मुताबक ही अगे जिहड़े डील करन वाले ने उह भी इस ढंग दे नाल ही जिहड़ा उहनू हैंडल करदे ने भी सुझाव पेश करन वाला भी अपने सुझाव दे विच कीती गई इंप्रूवमेंट नूं अपना माण ही समझदा उहदे विच कोई वकार दा सवाल पैदा नहीं हुंदा ये बड़ा ही संगत दा जिहड़ा सानूं गुरु साहिब ने यह दिता है सिद्धांत दिता है उहदे विच जिहड़ी बंदे दी भावना जिहड़ी सुहिरदता की भावना महत्वपूर्ण है ये बंदे का बकार कोई मैंने नहीं रखता ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद ये सन साडा सिंह साहब जिन्होंने अज इत पहुँच के जिहड़ियां पंज सिंह साहबाना दियां जिहड़ियां सेवावां निभाईयां ते अज किस तरह जिहड़ा पुरातन सिख रहत मर्यादा के हिसाब के नाल जिहड़ा ये गुरमता पास करके जिहड़ा संगतां नूं जिहड़े वोट सिस्टम है 2022 दियां विधानसभा चोणां है उस दे विच किस तरह निर्णय लेना है ये संगती रूप के जिहड़ा फैसला लिया गया तो इन्होंने कल्ली कल्ली प्रक्रिया दसी तो वार की निकल के आया वह भी सानूं दस्सिया इस तरह पंजा सिंघां दे विच साडा इक होर सिंह साहब मौजूद है अंज सिंह साहब किदां देखदे आ अज दा जिहड़ा सारा गुरमता पास किया गया पहलां तां सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जिहड़ा ये निर्णय हुंदा ना पंच प्रधानी का ये तकरीबन संगत तो राय लैके ही संगत की राय मुताबक ही ये जो पंच प्रधानी है वह फैसला ले सकते हैं वो पंच जिहड़े प्रधान बनाए होंदे आ पंच सिंह सभा जो भी संगत चुनदी है उहदी जिहड़ी प्रक्रिया पंच सिंघां नूं होर भी आसान हो जाती है जदों कोई संगत दे सुधार लै जांदे आ इस करके सानूं इहदे विच कोई बहुती ज़्यादा दिक्कत नहीं आई फैसला लैण विच देखिए तो लोग की विचार निकल के सामने आए तो उस तो बाद अखीर दे विच की फैसला लै गए विचार तो जी वो संगत ने अपने तौर पर किसी ने दसना होंदा जो भी कुछ उस गाइडलाइन है उन्होंने अपने अपने विचार दसने होंगे की विचार आए क्योंकि तुसीं तां लै आ की विचार सामने आए विचार तो वो भी किसी सिंह ने सानू आके दसिया भी असीं इहदा बाइकट करना चाहते हैं वो जे संगत दे विच सीगे वो बहुत थोड़े सिंह सी पर चलो ठीक है सानू उन्हां दी भावना भी देखनी पैंदी है इस करके जो भी संगत का फैसला होवे वो सानू उही उहदे हिसाब दे आधार ते ही सानू फैसला करना पैंदा की फैसला लिया गया अखीर दे विच फैसला अखीर ते यही लेके लिया गया कि जो भी साढ़े सिख संविधान के अनुसार जो भी सानू अपने कैंडीडेट चंगे लगते हैं जो उन्हां दे शर्तां दे खरा उतरते हैं उन्हां नू असीं वोट पा सकते हैं ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सन साडे नाल एक होर सिंह साहब जिन्होंने दस्या भी किस तरह अज जिहड़ा संगती रूप दे विच 2022 दीआं विधानसभा चोणां दे विच जिहड़ा फैसला लैण दा किस तरह जिहड़ा फैसला लिया गया अज जिहड़ा सिख रहत मर्यादा दे हिसाब दे नाल पुरातन रवायतां दे हिसाब नाल जिहड़ा गुरमता पास कीता गया उस दे विच संगती रूप दे विच अज वारस पंजाब दी जथेबंदी दे सरगर्म आगू भी पहुंचे ने इन्हां नाल भी गल कर लैणा हांजी वीर जी अज इत्थे जिस तरह पहुंचे आ किस तरह लग्या संगती रूप दे जिहड़ा फैसला लिया गया किस तरह लिया गया ते तुसीं अपने की विचार निकले ते बाद च की निकल के सामने
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰੀਏ, ਧਰਨੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਟ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ? ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ 2 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਦਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਆ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ, ਨੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤੂਗੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਓ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ, ਇਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਗਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾ ਭੁਗਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਰੂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5-6 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਦਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਯਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਧਲਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 13 'ਚੋਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਯਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100% ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
जिन्हें भी पंथक दर्दी आ जा पंजाब नू लैके जा कौम नू लैके वो हरेक जिले च मैं नहीं कहता कोई पंजाब नू तां इकट्ठा कर सकता हरेक जिले वाइज तो आप इकट्ठे हो सकते ना जिदा हुण अज दुआबे च किशनपुर पिंड है नवां शहर के लागे अज आप इत्थे हाजरी भरी आ इदां ही जलंधर हुशियारपुर लुधियाना जां जिथे जिथे भी आ उन्हां नू सारयां नू इस तरह के उपराले करने चाहिए आ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन साडे नाल हरनेक सिंह फौजी जिहड़े कि बारस पंजाब दी जथेबंदी नूं बिलोंग करदे आ। अज जिहड़ा इत्थे पंथक इकट्ठ होया जिला शहीद भगत सिंह नगर दे किशनपुरा पिंड विच उत्थे इन्हां ने पहुँच के हिस्सा लिया अपने विचार रखे ते इन्हां ने खुशी भी प्रगट की है कि इस तरह के जिहड़े गुरमते है इस तरह के संगती रूप च इकट्ठे हो के जिहड़े राजनीतिक फैसले जां समाजिक जिहड़ियां समस्यावां दे फैसले लैने चाहीदे आ अज दे फैसले तो इन्हां ने खुशी प्रगट करदे होए कहा भी इस तरह के फैसले आने चाहिए ता ही समाजिक पद्धर उत्ते राजनीतिक पद्धर के उत्ते जिहड़ा सुधार हो सकते हैं। अज जिहड़ा गुरमता पास किया गया आ 2022 दीआं विधानसभा चोणां नूं लैके इस दे विच जिहड़ी अहम भूमिका निभाई आ पंथ सेवक जथा दुआबा उन्हां दे सेवादार साडे नाल मौजूद हैगे सिंह साहब जिहड़ा साडा उपराला किया गया की सगा ते किद्दां निकल के बाहर आए सर। देखो जिहड़ा एक सियासी मैं कहूँगा युद्ध चल रहा पंजाब दी जिहड़ी विधानसभा है उहदियां चोणां हो रही हैं पंजाब दी सूबेदारी इहदे विचों नियत होनी है तो उहदे विच क्योंकि असीं पंथक रवायत नूं मुख रखदे हां ते पंथ दा जिहड़ा दावा उह पातशाही दा पंथ इह सूबेदारी दी लड़ाई दे विच तां सिद्धा कोई दावेदार है नहीं बट असीं इह सारा ख्याल सीगा कि इस इहदे विच कुछ इस तरीके दा प्रभाव पाया जाए कुछ उह बंदे जां उह धिरां मोहरे आण जिहड़ां दी पंजाब ते पंथ दे नाल वफादारी है ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ जिस तरह एकत्रता की गई है पुरातन समय के गुरमते लैके उसे भी चाहे बारे भी थोड़ा दसिया जाए तो जो अज की पीढ़ी अज के लोगों भी समझ आ सके भी किस तरह रवायत ले जाते अज उन्होंने अमली जामा किस तरह पहना गया। देखो ये इस तरह ही पंथ सेवक जथा दुआबा के जेडे साढ़े नाल सरगर्म सिंह से उन्होंने असी जा अपने इलाके के उन्होंने सुनेहे भेजे से जहाँ के लिए किसी भी पार्टी के नालों पंथ की रवायत बद प्यारी जिन्हां नूं कोई पार्टी या उम्मीदवार वध प्यारा वो असी नहीं सदे क्योंकि पंथ गुरमता करन दे विच सब तो जरूरी शर्त यह हुंदी आ वी उही बंदे शामिल होने चाहीदे आ जिन्हां नूं पंथ अब्बल सब तो उपर पंथ की रवायत अब्बल असी वह बंदे सदे तो वह सिंघां ने गुरु की हजूरी दे विच जो रवायत है भी एक जिहड़ा जथेदार हुंदा साढ़े जथेदार जरनैल सिंह हुसैनपुर हैगे उन्हां ने वारी वारी करके संगत दे विचों ही पंज सिंघ जिहड़े वह चुने तो जिहड़े पंज सिंघ चुने गए उन्होंने मोहरे जिनी भी संगत आई सी जिन्ने सिंघ इत्थे आए थे 300-350 मेरे ख्याल सिंघ होना उन्होंने सारिया ने आपो अपने विचार रखे कुछ चार ऑप्शन सीगियां जिहड़ियां डिस्कस कीतियां गईयां कुछ विचार यह आए कि मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए दूजा विचार यह आया कि नोटा दबना चाहिए तीजा विचार यह भी आया भी आप फलाने उम्मीदवार को वोट पानी चाहिए चौथा विचार यह आया भी आप कुछ दिशा निर्देश तय कर दईए उस दिशा निर्देश नूं मुख रख के सिंह है जिहड़े वह आपो अपना फैसला आपो अपनी सीट ते क्योंकि चार विधानसभा हल्के पैंदे आ वह आपो अपना उन्हां दिशा निर्देशों नूं रख के अपना फैसला लै लैण जब गल करिए जिस तरह पुरातन रवायत नूं असीं सुरजीत करने की कोशिश की गई पुरातन रवायतों के अज का जिहड़ा देश का फैडरल सिस्टम हैगा आ जां वोट सिस्टम हैगा लोकतंत्री सिस्टम किन्ना फिट वेंदा उहदे विच नहीं देखो सिखां दे विच तां सिलैक्शन नूं प्रधानता आ जिहड़े पंजां सिंघां दा फैसला आ उहनूं प्रधानता है तो जिहड़ा इंडिया का वोट सिस्टम है जिदा का वो नतीजे थोड़े सामने ही हैं 70 साल के बहुत सारे लीडर बदले आ बहुत सारिया पार्टियां बदलिया स्थिति बद तो बदतरे ही हुई है तो मैं समझना भी ये कल लीडर का नहीं जिहड़ा यह वोट पॉलिटिक्स के राही नुमाइंदे चुनन का फैसले लैन का तरीकाकार अपनाया हुआ वो गलती है
इस करके वधिया तो वधिया बंदे भी इस सिस्टम जाके करप्ट होए। तो असी तो यह समझते हैं कि जिहड़ा पंथ का तरीकाकार है, पंथ की रवायत है, फैसले लैण की लीडर चुनन की, वह ज़्यादा वधिया चीज़ है। तो अज उस दे अनुसार इस सिस्टम नू लैके जिहड़ा हुण 2022 दीआं विधानसभा चोणां उहदे मेन जिहड़ा फैसला लिया, फिर किस तरह लिया गया ते किद्दां इहदे विच जिहड़ा कुद्दिया जाएगा, किद्दां आखिरी नतीजे ते किद्दां पुज्जेगा, इहदा असर किन्ना होएगा? जिहड़े साडे पंज चार जिहदा मैं तुहानूं पहलां गिणाए, चार विचार आए वक्खो वक्खरे, ते चारां विचारां दे विच्चों जिहड़े साडे पंज सिंघ चुणे गए सीगे उहनां ने इही इस गल दे उत्ते ही मता पकाया कि आपां बाईकाट नोटा या किसी खास उम्मीदवार को वोट पाने की बजाय जिहड़ी चौथी ऑप्शन है उन्होंने वो दिती है। उन्होंने पांच छे नुक्ते कहे है भी जिहड़ा भी पार्टी दिल्ली ताकत की जिहड़ी पॉलिसी रही आ पंथ ते पंजाब दा खुरा खोज मिटाण की, जिहड़े उस पॉलिसी के भागीदार रहे आ भाव जिन्हां ने पंजाब की सत्ता सूबेदारी माणी आ उन्हां नूं वोट पाउण तों ग्रेज़ करना चाहिए। दूजी गल उन्हें यह कही है कि जिहड़े भी पार्टियां दी फैसला लैण दी जां नीति तय करन दी लगाम दिल्ली बैठे उन्हां दे उच्च लीडरां कोल है उन्हां तों भी ग्रेज़ करना चाहिए। चौथी गल यह कही है कि पार्टियां दी बजाए उम्मीदवारां ते फोकस होण दी लोड़ है। जिहड़े उम्मीदवारां दा कोई संघर्षशील पिछोकड़ रहा, चाहे पंथ दे मसले चाहे पंजाब दे मसले, उन्हां नूं पहल देण दी लोड़ है। जां उन्हां उम्मीदवारां नूं जिहड़े उम्मीदवार खालसा जी जां गुरमत दे उल्ट नहीं चल रहे उन्हां नूं पहल देण दी लोड़ है, जां जिन्हां दे लई पंजाब, पंजाबी सभ्याचार, पंजाबीयत, पंजाब दी खुदमुख्तियारी इस पोलिटिकल सिस्टम दे विच लैण दी जिन्हां दी नीति आ उन्हां नूं पहल देण दी लोड़ है। तो इस तरह के जिहड़े उन्हां ने दिशा निर्देश दित्ते आ ते उन्हां नूं मुख रख के सिंघ अपने विवेक नाल फैसला लै लैणगे। जिस तरह ये संगती रूप दे विच फैसला आया, विचार निकल के आए कि लगता अज का जिन्ना तुसीं कहिंदे भ्रिष्ट हो चुका सिस्टम, कोई लीडर जां पार्टी दे उत्ते खराबी उतरदी है, कितें इदां ना होवे लोकां नूं फैसला लैणा भी मुश्किल हो जाए। ये सिखां दे विच हन्ने हन्ने मीरी दी कंसैप्ट हैगा, हन्ने हन्ने मीर मीने के हर बंदा वजीर है, हर बंदा अमीर है। तो ये एक चौकटा सिक उन्हें तय कर दिता, तो हरेक का विवेक आपो अपना, हरेक का नज़रिया आपो अपना। ये चार सीटा का फैसला लिया, चार ही सीटा के उम्मीदवार पार्टियां की वनगी वक्ो वक्री, तो यदा हरेक ने अपने विवेक अनुसार लै लेना। इस पांच जिहड़ियां नुक्ते तय किए इन्हां नूं मुख रख के, तो ये हरेक का वक्खो वक्खो। जिस तरह देखने जा रहा थोड़े जो पंथक सेवा जथे वालों ये निर्णय लिया गया, इस तरह होर भी बहुत सारिया संपर्कतावां हैगियां ने, जां कोई पोलिटिकल जां कोई प्रेशर ग्रुप हैगे, वह भी फैसले लै रहे हैं। इस तरह का एक बड़ा फैसला निकल के जिहड़ा सामने आया, जिहड़ा संत समाज वालों फैसला लिया गया है, एक विशेष पार्टी नूं समर्थन उन्हां वालों दिता गया, उहनूं फिर किदां देखदे? देखो फैसला किसी नूं समर्थन देण दा जां किसी दे खिलाफ़ होण दा आण दी बजाए फैसला लिया किस तरीके नाल जा रहा, वह वड्डी गल है। साडे लई भी अज भी असीं जिन्ने सिंघ आए उत्थे इन्हां नूं असीं स्पष्ट कीता कि फैसला क्या आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फैसला लिया किस तरीके नाल जाना। हुण जिद्दां बहुते असीं इकट्ठ देखे आ सिखां दे भी, सिख भी जो दुनियावी रीत है उहदे मगर लग गए आ भी इक जिहड़ा बंदा प्रभावशाली है जां तकड़ा उह अपनी मर्जी दे अनुसार अपनी सहूलत दे अनुसार फैसले लै लैंदा, बाकी उहदे मगर जिंदाबाद कर देंदे आ। ये सिखां दा तरीका नहीं है। तो सो जो मैं समझना वह ये है कि जिहड़ा तरीकाकार है वह वध महत्वपूर्ण, पर जिहड़ी तुसीं गल दा जवाब दिता वो साडे जिहड़े सिंघ साहब ने फैसला लिया उहदे विच है उहदा उत्तर। जिहड़ी पहली गल इह कही कि जिहड़ी भी पार्टी पंजाब नूं लुट्टण ते कुट्टण दे विच दिल्ली दी नीति दे विच भागीदार रही आ, उन्होंने राज भाग माणिया, उन्होंने ग्रेज करन दी लोड़ है। तो वो जिन्होंने उन्होंने संत समाज ने जिस पार्टी दे हक दे विच फैसला दिता, तो मेरी मेरे विवेक मुताबक तो यह उस पहली कैटागरी आती है, तो इस करके सानू तो उत्तों ग्रेज करन लई मैं समझना कहा गया। देखण च आया भी ये कितने ना कि पोलीटिकल पार्टियां का भुलेसा ही है, बड़े बड़े लोग, बड़िया बड़िया संस्थावां, संत बाबे भी इस लपेट के आ जाते। जिस तरह हुण देखण च आया वोटां तो पहला एक बाबा जिहदा पंजाब च बड़े पद्धर उत्ते विरोध होया, वह संगीन जुर्मां के तहत जेल में बंद सीगा, उहनूं भी जिहड़ा बाहर आ गया उहनूं किद्दां देखदे आ, इस चोणां चों उहनां चीज़ां का किन्ना प्रभाव है? देखो फिरंगी दे राज वेले तों सिख
संगत को शब्द गुरु नूं तोड़न दे लई। इह जिहड़ा देहधारी गुरु दम दा जां डेरियां दा सिलसिला इह फिरंगी ने शुरू कीता सीगा, इह पिछले 150 साल तो बाद दस्तूर जारी है। जिहड़ा हुण दा दिल्ली दा वेपर हाकम है उहने भी उह फिरंगी दी नीति नूं अपनाया होया। उस समय समय तो इदा के जोड़े भ्रष्ट किरदार वाले लोग होंगे उन्होंने सरकारी पैसे दे नाल पखंड दियाँ कोई तकनीक सिखा के खड़े करते रहेंगे, तो मुड़ के फिर जो दिल्ली के ताकत के उत्ते काबज पार्टी होंगी वो अपने लिए उन्होंने वरतती रही है। तो यह लगातार सिलसिला चल रहा, वो उन्होंने खड़ा किया दिल्ली तख्त नहीं, हुण दिल्ली तख्त की जी सत्ताधार पार्टी वो मेरे ख्याल चाहता फायदा ले रही है, तो वो उन्होंने कठपुतली है। तो जिस तरह चोणा दे विच हिस्सा लैण दा एक फैसला किया गया तो बहुत सारिया कुछ इदा का भी निकल गया जी सामने आया भी विरोध किदा करना, क्योंकि असी किसान संघर्ष भी पंजाब नवा नवा लड़ के आया, सिखां दी अहम भूमिका उहदे विच रही है, उस तो पहला भी बहुत सारे जिहड़े संघर्ष चाहे वह गुरु साहब की बेअदबी नूं लैके आया, नशिया की मार नूं लैके आया, इस तरह का भी कोई लिया गया भी बाईकाट किदा करना जा। महाराज ने सिखां नूं सदा गाइडलाइन दित्तियां, मतलब महाराज ने कहा कि खाना वो आ जिहदे नाल तुहाडे तन ते मन की खुशी खुआर ना होए, पहनना वो आ जिहना तुहाडे तन ते मन की खुशी खुआर ना होए, उन्हें पर्टिकुलरली नहीं कहा भी आ खाना या नहीं खाना। तो सिखां दे विच सदा जिहड़ी रवायत हैगी आ वो गाइडलाइनस दी हुंदी, दायरा तय किया जाता तो उस दायरे मुताबक हरेक बंदा अपनी समर्था तो अपनी विवेक बुद्धि अनुसार फैसले लैंदा। तो वह मेरे ख्याल दे विच जिन्ने साडे नाल सिंह हैगे आ उन्हां सारिआं दा एक पिछले कोई कई 50-60 साल का तजर्बा, कई 40 साल का, कई 20 साल का, कोई 10 साल का भी है, उन्होंने सारे का तजर्बा है। तो उस मुताबक वो अपने विवेक अनुसार फैसला ले लेंगे भी कि विरोध करना है कि हमायत करनी, वो सारे का निजी है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन साडे नाल सिख बुद्धिजीवी मनधीर सिंह जी गढ़ी, जिहड़े कि पंथ सेवक दल जिहड़ा दुआबा आया जिहदे वल्लों उपराला कीता गया है, अज पुरातन गुरमता दे हिसाब दे नाल 2022 दियां जिहड़ियां विधानसभा चोणां हैगियां उस अमल दे विच की भागीदारी हो सकती है सिखां दी संगतां दी, वो जिहड़ा अज संगती रूप दे विच फैसला लिया उहदे नाल उहदे बारे इहनां ने विस्तारपूर्व दस्सिया कि किस तरह पुरातन रवायतां दे तहत सिख फिलोसफी दे विच की मते हैगे, गुरबाणी और गुरु साहब का सानू की उपदेश हैगा, तो उसके तहत ही आज संगती रूप दे जिहड़ा फैसला लिया गया कि किस दे हक दे विच वोट की जिहड़ी पावर है मत दी है वो वरतों करनी है तो किस दा अपन है विरोध करना है। ये तुसीं देखिया पे किस तरह अज जिला शहीद भगत सिंह नगर के दुआबा खिते दे विच पैंदे किशनपुर पिंड दे विच जिहड़ा संगती रूप दे विच इकट्ठ करके पुरातन गुरमते दे हिसाब दे नाल 2022 दीआं विधानसभा चोणां दे विच सिखां दी भूमिका की हो सकती है, सिख वोट की भूमिका की हो सकती है, तो सिखां ने संगतां ने जिहड़ियां वोटां किस हिसाब दे नाल किस पैटर्न के हिसाब के नाल पानिया है की कदर कीमत होनिया चाहिए ने वो संगती रूप के निर्धारित कीतियां गई पुरातन गुरमते दे हिसाब के नाल जिहड़ा संगती रूप के पंज सिंघ चुन के संगतां दे जिहड़े विचार वख वख लै गए जो अज दे वोट सिस्टम के हिसाब के नाल है, चाहे वोटां दा बाईकाट करन दे विचार भी आए, उस तो बाद नोटा की वरतों के विचार आए, किसी खास व्यक्ति या खास पार्टी नूं जिहड़े देण दे विचार भी सामने आए, उस तो बाद संगती रूप दे विच जो फैसला लिया गया वह भी तुसीं जिहड़े सेवादार है चाहे इत्थे पहुंचियां होईयां संगतां उन्हां दे मुखारबिंद तो सुनिया, तो बड़ी वधिया गल रही है कि एक लोकतंत्री सिस्टम दे विच भी गुरु साहब दे फलसफे गुरु साहब की फिलोसफी दे हिसाब दे नाल गुरमता करके संगती रूप दे विच फैसला लिया गया है जिहड़े कि सार्थक नतीजे आउणगे, आने वालियां पीढ़ियां नूं सिख नौजवानों भी इहदे तों सेध मिलेगी, तो देखना होएगा हुण संगतां इस पाए पूरने उत्ते चल के किस तरह अपनी वोट का वरतों कर पाउंदियां ने, तो इस जिहड़ा फैडरल सिस्टम है वोट की जिहड़ी वरतों है इस लोकतंत्र दे विच अपना बनदा योगदान पा पाते ने, आने वाला समा दसेगा। तुसीं इसे तरह साडे नाल जुड़े रहो, देखते रहो अकाल चैनल। मैं जिला शहीद भगत सिंह नगर तो कैमरामैन अमृतपाल सिंह पाली के नाल हरदीप सिंह होण।